नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों एक हमारे पास नोकिया का TA-1447 मॉडल फोन है और इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है। तो चार्जिंग का क्या प्रॉब्लम है देखिए मैं आपको चार्ज में लगा के दिखाता हूँ। चार्ज लगाने पर यहाँ कुछ एरर बताता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बैटरी लोअर टेम्परेचर रिमूव द चार्जर, इस तरह का एरर आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एरर कब आता है। एक्चुअली में जब भी इस फोन का बैटरी चेंज होता है और बैटरी जब मिसमैच करता है तो इस तरह का एरर आता है। तो जैसा कि देखिए इसमें भी बैटरी इसका चेंज किया गया है और ये बैटरी मिसमैच हो रहा है जिसके कारण ये एरर आ रहा है। तो अधिकांश नोकिया का इस तरह का जो मॉडल आता है उसमें बैटरी चेंज करने के बाद में इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो चलिए इस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करते हैं ये जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसको रिपेयर करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए इसका स्क्रू को मैं ऑलरेडी खोल लिया हूँ, इसका सिम को भी मैं खोल लेता हूँ। ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और दोस्तों जब तक मैं मोबाइल को खोल रहा हूँ तब तक मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद नहीं आता हो तो कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो में क्या कमी है जिसको मैं अगले वीडियो में सुधार सकूँ। तो चलिए इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी काम किया हुआ है, यहाँ पर पेस्ट लगा हुआ है बहुत सारा, पहले से काम किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको भी वॉश करते हैं। तो दोस्तों देखिए बोर्ड को मैं अच्छी तरह से वॉश कर लिया हूं और अब इसको रिपेयर करने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस का ज़रूरत पड़ेगा जिसका मान 5K से 10K का अंदर होना चाहिए। तो अभी चलिए कोई भी पुराना बोर्ड से हम 5K से 10K का रेजिस्टेंस खोज लेते हैं, 5K से 10K का अंदर का। तो रेजिस्टेंस को सर्च करने के लिए देखिए मीटर को 20K रेंज में रखना है यहाँ पे। और रेजिस्टेंस का पहचान कैसे करना है कि जो भी काला में चमकदार कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा वो रेजिस्टेंस होगा और जो ब्राउन कलर का कंपोनेंट दिख रहा है ये कैपेसिटर है। जैसे कि देखिए ये ब्राउन कलर का है, ये कैपेसिटर है और यहाँ पर देखिए ये वाला काला में चमकदार दिख रहा है ये वाला कंपोनेंट, तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। जहाँ भी काला काला चमकदार कंपोनेंट दिख रहा होगा देखिए ये रेजिस्टेंस है। तो सभी को बारी बारी से चेक करेंगे। तो मीटर पे आपको फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें 9.9K का शो कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को हमें खोल लेना है और खोलने के बाद दोबारा से चेक करना है। लगे में हो सकता है कि इसका वैल्यू कुछ गलत भी बता सकता है, तो हमें खोल के चेक करना है। का वैल्यू बता रहा था, देखिए अभी भी 9.9K का बता रहा है, कभी कभी 10K का बताता है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस हमारा मिल चुका है और अब इस रेजिस्टेंस का यूज हमें कहाँ करना है। तो इस रेजिस्टेंस को आपको ये बीच वाला BSI का जो पॉइंट है इससे और नेगेटिव में लगाना है यहाँ पे, सॉरी इधर से इधर, ये हमारा प्लस हो गया, ये BSI है और ये जो है नेगेटिव है। तो इन दोनों पॉइंट में जो है हमें लगाना है। तो चलिए लगा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये वाला रेजिस्टेंस है 10K का, इसको मैं बीच वाला से किनारे वाला ग्राउंड पिन पे लगाया हूँ।
लगाने में थोड़ा समय लगा, जिसके कारण मैं वीडियो को थोड़ा पॉज किया, लेकिन रेजिस्टेंस जो है मैं 10K का यहाँ पे लगा दिया हूँ। और अब जो है इसको मैं चार्जिंग में लगा के आपको दिखाता हूँ। देखिए इतना देर में जो है यहाँ पे एरर आ जाता था, तो अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।